किडनी में खराबी क्यों आती है, किडनी में खराबी के कारण क्या होते हैं, किडनी में खराबी के लिए आप कौन सा उपचार ले सकते हैं, ऐसे ही कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए आज हम आपको अपने चैनल किडनी ट्रीटमेंट के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, वो भी अंत तक। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से मिल पाएं। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। किडनी में खराबी के कारणों को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी में किडनी का काम क्या होता है, क्योंकि बॉडी के लिए किडनी इतनी महत्वपूर्ण होती है कि किडनी के बिना जीवन संभव नहीं माना जाता। किडनी का काम आपकी बॉडी में जमा गंदगी को साफ करने का होता है, साथ ही इसका काम आपके शरीर के बाकी अंगों को भी ठीक रखने का होता है। इसमें हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए किडनी कितनी जरूरी है और उससे कहीं ज्यादा इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। इसके लिए आप अपने जीवन में कुछ बातों को अपना सकते हैं। पहले तो आप अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को ठीक रखें ताकि आपकी किडनी के काम पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इसमें आप अपने रोजाना के आहार से लेकर अपने सोने और जागने का सही समय निर्धारित करें, साथ ही व्यायाम करें और योग को अपने जीवन में शामिल करें। अगर बात आहार की करें तो आप ऐसा आहार लें जिसको डाइजेस्ट कर पाना आपके लिए मुश्किल ना हो। इसके साथ ही अधिक मसालेदार खाना न खाएं, चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन न करें। गर्मी से राहत पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक के स्थान पर नींबू पानी, नारियल पानी और गन्ने का जूस पीना ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग इंस्टेंट एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक्स पीना ज्यादा पसंद करते हैं। अरे, बॉडी को सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी की ही जरूरत नहीं बल्कि ठीक रहने की भी जरूरत है, जिसके लिए आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। ये भी आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का अच्छा सोर्स है और इसके अलावा इसका सेवन आपकी किडनी के लिए भी हानिकारक नहीं होता। किडनी को स्वस्थ रखना हो तो आहार में सही चीजें लें, इसके साथ ही आयुर्वेद को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। इसके लिए आप प्राकृतिक उपायों को अपनाएं। अगर आपकी किडनी में खराबी आ गई है या आपके शरीर में कुछ ऐसे संकेत भी दिखाई देते हैं जो किडनी में खराबी को दर्शाते हैं, तो इसको आप अनदेखा न करें और इसके लिए आयुर्वेदिक उपचार लें। ये आपके और आपकी किडनी के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, इसलिए अपनी किडनी में आई खराबी के लिए आप आयुर्वेदिक उपचार का चुनाव करें। इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिंदर कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं डिफेंस में हूँ। जब आए थे क्या प्रॉब्लम हो रही थी? तब किडनी में प्रॉब्लम थी और GFR वगैरह मेरा काफ़ी कम था। कितना GFR था जब आप आए थे? जब यहाँ पे मैं आया था तो 28 था। अब GFR कितना है आपका? अभी 38 है। किस तरह की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिट हैं? फिट हूँ।